पंचम है, पंचमे ज्ञान वृद्धि च है, वाणी से आपका ज्ञान बहुत बढ़ाने वाला है। पढ़ाई लिखाई के मामले में जो स्टूडेंट हैं अव्वल नंबर से पास होंगे और इसमें परीक्षा हो रही है तो और अच्छे पेपर जाएंगे और पढ़ाई में मन लगेगा और संतुष्टि प्राप्त होगी, प्रेम संबंध मधुर रहेंगे। मंगल और राहु ये दोनों ही ग्रह वो वृषभ राशि पर चल रहे हैं और आपकी राशि तुला है। तुला वृश्चिक धनु मकर कुंभ मीन मेघ और वृक आठ में चल रहे हैं, अष्टम स्थान पर राहु अष्टम मंगल, सब कुछ अच्छा लेकिन एक चीज खराब आने वाली है, थोड़ा सा कहीं एक्सीडेंट से सावधान रहना, वाहन जरा संभल करके चलाएं, मैं संकेत दे रहा हूँ। और किसी से विवाद से सावधान रहना, छोटी छोटी बातों में विवाद हो सकता है, इससे सावधान रहना है पूरे सप्ताह भर। इस प्रकार से मंगल और राहु आपके थोड़ा गड़बड़ रहेंगे इस सप्ताह। और गुरुदेव की स्थिति क्या है, गुरुदेव जो है सो इस समय चल रहे हैं तुला वृश्चिक धनु मकर, चतुर्थ शनि और चतुर्थ गुरु, चौथा स्थान भवन का, वाहन का, माता का, इष्ट मित्रों का होता है। यहाँ पर गुरु जहाँ बैठते हैं वह चिंता कारक हैं तो माता की चिंता आपको बराबर बनी रहेगी, साथ साथ में मकान की चिंता भी रहेगी और मित्रों की भी चिंता रहेगी, लेकिन जो है पिता के लिए स्वास्थ्यवर्धक है और पिता का स्वास्थ्य स्वभाव सब अच्छे हो गए, आपके अनुकूल होगा, वातावरण सहयोगात्मक रहेगा, कर्म क्षेत्र जो छूट गया है वो बनने वाला है, बहुत उत्तम फल देने वाला है। कर्म क्षेत्र यानी कैरियर में आप उस बहुत ही अच्छा बनने वाला है कैरियर, तो कैरियर अच्छा बनेगा, कर्म क्षेत्र सुधरेगा, आपके पिता का स्वास्थ्य भी अच्छा रहेगा, पिता का स्वभाव भी अच्छा रहेगा। ये तो आपका जो गुरुदेव बता रहे हैं, और आपका जो खर्च है वो अच्छे कार्यों में होगा, मंगलकारी में, विवाह में, शादी में, मंगलकारी में, यज्ञोपवी संस्कार में, मुंडन संस्कार में, जो शुभ कार्य होते हैं मंगलकारी होते हैं यज्ञ में अनुष्ठान में, इसमें आपका खर्च होगा या तीर्थ यात्रा में खर्च हो जाए, ये योग भी बन रहा है। इस प्रकार से आपका गुरुदेव अच्छा कार्य कर, शनिदेव की स्थिति क्या है, शनिदेव भी चतुर्थ हैं, चतुर्थ ये ढैया शनि चल रहे हैं, आपकी जो कर्ज की मात्रा है बहुत निकट समय में उतरने वाली है, अभी थोड़ी और सावधानी सजग रखें क्योंकि आपके जो तृतीय आपके जो चतुर्थ स्थान पर शनि यानी ढैया चल रहे हैं तो क्या है आपके रोग शत्रुओं का विनाश जरूर कर रहे हैं, लेकिन साथ साथ आपके स्वास्थ्य का भी संभाल कर चलना है, उसमें ही नुकसान कर रहेंगे और साथ साथ में आपके पिता का स्वास्थ्य गड़बड़ करेंगे, कर्म क्षेत्र में कैरियर में नुकसान करेंगे शनिदेव इस पर, इसलिए आपको इसको शनि की आराधना करते रहना चाहिए। 2022 जून तक आपको ढैया शनि रहेंगे, तब तक आपको समझ के चलना है शनि से संबंधित होने वाली कार्य क्या करना है, उनको शांति के लिए सबसे अच्छा उपाय बताता हूँ वो करते रहें। एक तो शनि के मंदिर में जाकर दर्शन ना करें, मना कर रहा हूँ, और तेल ना चढ़ाएं, उसमें शनि और डबल चढ़ेगा आप लोग पर। आप पीपल के वृक्ष के नीचे शनिवार के दिन तेल का दीपक जलाएं और सात परिक्रमा करें पीपल के वृक्ष की, ओम नमो भगवते वासुदेवाय बोलते हुए मन ही मन में परिक्रमा करें, आपका 7.5 और हनुमान जी की उपासना करें, उनकी आराधना करें, क्योंकि हमारे यहाँ प्रत्यक्ष देवता दो ही देवता, देखो हनुमान जी तो अजर अमर हैं, प्रत्यक्ष हैं, जहाँ आप उनको स्मरण करोगे वहाँ आ जाते हैं, हनुमान जी के आने में कोई देर नहीं लगती है, जहाँ आप मन से स्मरण कर लोगे वहीं हनुमान जी आ जाएंगे, वो प्रत्यक्ष रूप से नहीं दिखेंगे लेकिन आपके कार्य के रूप में दर्शन दे देंगे। इस प्रकार से उनकी आराधना बहुत ही कलयुग में महत्वपूर्ण है। वो कलौ चंडी विनायकौ, कलयुग है ये, कलयुग में चंडी और विनायक यानी देवी और विनायक यानी गणपति की आराधना बहुत ही सशक्त मानी जाती है। सद्या फल देने वाले हनुमान जी हैं, सद्या फल देवी जी हैं और गणपति,
तो इस प्रकार उनकी आराधना करें तो भैया शनि साढ़े साथी सब सहज रूप में निकल जाएगा। अब शनि जब चतुर्थ स्थान पर हैं तो अब शनि चतुर्थ स्थान पर बैठ करके रोगों का नुकसान व्यवधान कर रहे हैं, लोगों को हानि पहुंचा रहे हैं, लेकिन मामा की तरफ से भी थोड़ी समाचार गलत आ रहा है, मामा को भी कष्टदायक बन सकते हैं। और चंद्रदेव की स्थिति क्या रहेगी, चंद्रदेव आपकी राशि से कहाँ जा रहे हैं, चंद्रदेव जो है वो इस समय तुला राशि पर, आप तुला राशि के व्यक्ति हैं और बारहवें चंद्रमा प्रथम दिन रहेंगे 28 और 29 को द्वादशे हानि रे बच, हानि हो सकती है, कोई नुकसान हो सकता है, चोरी हो सकती है, परेशानी हो सकती है, तो द्वादश चंद्रमा ठीक नहीं है। और आद्यश चंद्र स्त्रिया कुरयात 29 और 30 तारीख को आद्य प्रथम चंद्रमा बहुत ही अच्छा फल देने वाले रहेंगे, आपको धन लक्ष्मी प्राप्त होगी, मन माफिक आपके कार्य होंगे, मन में प्रसन्नता प्रफुल्लता बनी रहेगी। और 1 और 2 तारीख को वही स्थिति रहेगी और 3 और 4 को 3 तारीख को भी वही स्थिति रहेगी। सब प्रकार से पूरा सप्ताह केवल 2 दिन छोड़ करके 28 29 छोड़ कर बाकी पूरा सप्ताह आपका बहुत अच्छा मंगलमय बीतेगा। और अन्य ग्रहों का प्रभाव भी आपका जो साढ़े साथी शनि चल रहा है तो आराधना आप करते रहेंगे तो शनि अच्छा फल देने वाले होंगे। ऐसे तुला लग्न पर, तुला राशि पर शनि उच्च राशि के होते हैं, लेकिन जिनका शनि जन्म कुंडली में अच्छा नहीं है, अच्छा और बुरे शनि का मतलब क्या है, शनि अगर जन्म कुंडली में नीच राशि का है तो खराब है, शत्रु के राशि पर बैठा तो खराब है, और अच्छा क्या है, उच्च राशि यानी तुला राशि पे बैठा हो तो अच्छा है, मकर के और कुंभ पे हो तो बहुत अच्छा है। इस प्रकार ये 3 राशियों पर शनि बहुत ही अच्छा माना जाता है। जिनको ढैया साढ़े साथी शनि चल रहा है इन लोगों के लिए ढैया शनि साढ़े साथी आने पर हमेशा लाभान्वित करने वाले को हर समस्या का समाधान, वो भी घर बैठे बैठे हम करेंगे आपकी हर समस्या का समाधान। लव प्रॉब्लम हो या ब्रेकअप प्रॉब्लम, इंटरकास्ट मैरिज प्रॉब्लम हो या मनाना चाहते हैं अपने घर परिवार को, डाइवोर्स प्रॉब्लम हो या पाना चाहते हैं अपना खोया हुआ प्यार, वशीकरण ब्लैक मैजिक या हो आपका प्यार किसी के वश में और पाना चाहते हैं आप उसे वापस, या पाना चाहते हैं छुटकारा अपनी स्वतंत्र से, इन सब समस्याओं का समाधान है हमारे पास। आइए संपर्क कीजिए ज्योतिष ज्ञानी विशाल शर्मा जी से। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें हमारा यूट्यूब चैनल ज्योतिष ज्ञानी और संपर्क करें, हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है 7828913229। धन्यवाद।